अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, सेकंड वन वी विल डिस्कस द प्रोसेस स्केजुलिंग, देन वी विल डिस्कस स्केजुलर्स एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्टैक्ट स्विचिंग। As in the previous lecture, I have told you about two things that we have, programs and processes. And the program is a passive entity because it is merely installed on our storage system and no activity is being performed in the program. So whenever we double click a program, it is loaded into the memory and it becomes a process. So whenever a program becomes a process, some sort of activity is started. So the process is a active entity while the program is a passive entity, and the process is an active entity because of activity. फिर हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोसेस के लाइफ टाइम में डिफरेंट स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, और उसके लिए हमने दो मॉडल्स देखे थे, एक टू स्टेट मॉडल और एक फाइव स्टेट मॉडल। टू स्टेट मॉडल ने तो सिर्फ ये डिफ़ाइन किया था कि एक प्रोसेस जो है वो या तो रनिंग कंडीशन में होगा या नॉट रनिंग कंडीशन में, लेकिन इस मॉडल को मज़ीद एलैबोरेट किया गया और एलैबोरेट करके फाइव स्टेट मॉडल बनाया गया। और फाइव स्टेट मॉडल ये डिफ़ाइन करता है कि अगर एक प्रोसेस रन नहीं हो रहा तो वो किसी ना किसी वजह से रन नहीं हो रहा, वो एक्चुअली उसके नॉट रनिंग पोजीशन की कोई ना कोई रीज़न है। सो उसके लिए हमने फिर फाइव स्टेट बनाई कि न्यू स्टेट हो सकती है, रेडी स्टेट हो सकती है, वेटिंग स्टेट हो सकती है और टर्मिनेटेड स्टेट हो सकती है, और इसके अलावा जो स्टेट है वो रनिंग है। तो आप कह सकते हैं कि न्यू, रेडी, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड स्टेट्स आर बेसिकली नॉट रनिंग स्टेट्स। इस लेक्चर में अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं, वो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, या आप इसको सिंपली पीसीबी कह सकते हैं। बाज़ जगह पर हम इसको टीसीबी भी कहते हैं, यानी टास्क कंट्रोल ब्लॉक। नाउ एवरी प्रोसेस हैज़ a record, has certain type of data to be stored. अब ये data कहाँ store होता है? अब ये data basically process control block में store होता है। ये आपको एक typical process control block की diagram नज़र आ रही है। आप simple words में कह सकते हैं कि process control block एक data structure है जिसमें different data items हैं, और वो उन डाटा आइटम्स को मैनिपुलेट करता है, यानी उनकी वैल्यूज़ को गेट भी करता है और उनकी वैल्यूज़ को सेट भी करता है। सबसे पहली चीज़ जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में एग्जिस्ट करती है वो प्रोसेस स्टेट है, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इस रिकॉर्ड को अपने पास मेंटेन रखता है कि एक प्रोसेस रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है या टर्मिनेटेड स्टेट में चला गया। सेकेंडली, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस भी रखता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक प्रोसेस के पास स्टैक भी होता है, उसके बाद हीप भी होती है, और उसके बाद उसके पास प्रोग्राम काउंटर भी होता है। तो उसमें तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो बेसिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन ये वैल्यू हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में भी स्टोर करते हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको अभी कुछ देर में बताता हूँ कि ये चीज़ हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्यों स्टोर करते हैं। मेन रीज़न जो है वो है मैनेजेस एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। चलें इस एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे इसको मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास
रैम एग्जिस्ट करती है। रैम में मैं सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस को मैं ए कह देता हूँ और एक प्रोसेस को मैं बी कह देता हूँ। यहाँ पर मैं डेजिग्नेट कह देता हूँ कि ये प्रोसेस ए है और सेकंड वन जो हमारे पास है वो प्रोसेस बी है। अब पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि प्रोसेस ए का भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनेगा और प्रोसेस बी का भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस इज़ पीसीबी ऑफ ए एंड दिस इज़ पीसीबी ऑफ बी। जितने प्रोसेस होंगे उतने ही प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनेंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास सीपीयू एग्जिस्ट करता है। सीपीयू का काम सिंपल एग्जीक्यूशन। एक और चीज़ हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए में टोटल 10 इंस्ट्रक्शंस हैं और प्रोसेस बी में हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हम नेक्स्ट सपोज कर लेते हैं कि सबसे पहले प्रोसेस ए एलोकेट हुआ सीपीयू को और सीपीयू ने इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। अब ये एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट की? टर्न बाय टर्न। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि प्रोसेस ए की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई और फोर्थ हुई। लेकिन जैसे ही फोर्थ इंस्ट्रक्शन आई यहाँ पर कोई इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन था। अब आप मुझे ये बताएं कि सीपीयू में जो रजिस्टर होगा प्रोग्राम काउंटर उसमें क्या वैल्यू होगी? सीपीयू ने 3 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की और फोर्थ पे पहुंचा तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसने 5 एग्जीक्यूट करनी है। अच्छा, अब क्या होगा? अब सबसे पहले जैसे हमने पहले पढ़ा मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू क्या करेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस ए को पॉज करेगा। पहले ही फुर्सत में प्रोसेस ए को पॉज करेगा। तो जब इसको पॉज करेगा एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अपडेट करेगा। इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कैसे अपडेट करेगा? उसके प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू 5 ही स्टोर कर देगा। उसकी वजह कि जब प्रोसेस ए वेट करने में के लिए जाएगा तो कौन सी इंस्ट्रक्शन करंटली एग्जीक्यूट हो रही होगी? फोर्थ, यानी वो आईओ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा और आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो दोबारा किस स्टेट में चला जाएगा? रेडी स्टेट में चला जाएगा। दोबारा इसको देख लें कि पहले प्रोसेस ए एग्जीक्यूट हो रहा है यानी रनिंग कंडीशन में है। प्रोसेस ए की 1, 2, 3 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की, फोर्थ इंस्ट्रक्शन पे आई ओ ऑपरेशन आ गया। सो मल्टी प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म ने क्या किया, इस प्रोसेस ए को इंटरप्ट किया और इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेव कर दिया और ये प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला गया। क्यों वेटिंग स्टेट में चला गया? इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। सो जैसे ही इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा ये प्रोसेस ए वापस किधर चला जाएगा? रेडी स्टेट में। अब मीन वाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा होगा प्रोसेस बी को ताकि उसका टाइम बचे। अब जैसे ही प्रोसेस बी फिनिश होगा, कंप्लीट हो जाएगा या वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? दोबारा से प्रोसेस ए को पिक करेगा और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा? क्या वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट करेगा? नहीं, वो उसको फिफ्थ इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट करेगा। और फिफ्थ इंस्ट्रक्शन से क्यों एग्जीक्यूट करेगा? क्योंकि उसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से पता चलेगा कि मैंने इस प्रोसेस को पॉज कंडीशन में लगाया था और पॉज मैंने कब किया था? जब मैं इसकी ऑलरेडी 4 इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर चुका था। तो लिहाजा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में
इसलिए प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हम स्टोर करते हैं। अगर ये वैल्यू हम स्टोर ना करते तो जैसे ही प्रोसेस ए पॉज होता, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करके रैम में चला जाता, और जब दोबारा से ये सीपीयू पे लोड होता तो सीपीयू को तो ये पता ही नहीं होना था कि मैंने इस प्रोसेस को किस इंस्ट्रक्शन पे स्टॉप किया था। सो इसके लिए बेसिकली प्रोग्राम काउंटर पीसीबी में भी स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सीपीयू रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर की तरह और बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जो कि कोई ना कोई वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। सो जिस तरह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मैनेज करने के लिए हमने प्रोग्राम काउंटर यूज़ किया, उसी तरह हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए जो रिजल्ट्स थे या डिफरेंट वैल्यूज़ जो थी उनको भी हमने स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स यूज़ किए। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उन रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को भी स्टोर कर लेगा ताकि जब नेक्स्ट इस प्रोसेस को लोड किया जाए तो उसकी वैल्यूज़ को भी लोड कर दीजिए, वरना अगेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मैनेज नहीं होगी। नेक्स्ट उसके बाद सीपीयू स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन। सीपीयू प्रोसेसेस को स्केजुल करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम चूज़ करता है, जिनमें से एक प्रायोरिटी एल्गोरिदम है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इस चीज़ को भी स्टोर करता है कि हम स्केजुलिंग किस तरह से कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि एक प्रोसेस मेमोरी में एग्जिस्ट कैसे करता है, उसका डाटा सेक्शन एग्जिस्ट करता है, उसका टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, उसका हीप और स्टैक एग्जिस्ट करते हैं। सो ये सारे मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस कंज्यूम करते हैं। सो मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज़ बेसिकली स्टोर्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सो दैट वी मे नो द एड्रेसेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसेस ऑफ द फंक्शंस, एड्रेसेस ऑफ अदर वेरिएबल्स एंड एड्रेसेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट थिंग दैट द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्टोर्स इज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंटेन्स डिफरेंट थिंग्स जस्ट लाइक सी पी यू यूज्ड, क्लॉक टाइम इलेप्स्ड सिंस स्टार्ट एंड टाइम लिमिट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टास्क मैनेजर ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पर ये कुछ परसेंटेजेस नज़र आ रही हैं। ये एक्चुअली अकाउंटिंग है कि ये प्रोसेस कितना सी पी यू कंज्यूम कर रहा है और कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। सो इसको आप बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएँ तो यहाँ पर आपको इसकी फाइल प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम शो ऑल प्रोसेसेस पे जाएँ तो यहाँ पर हमें एक डिटेल डिफरेंट यूज़र्स की मिल जाती है, टाइप मिल जाती है। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट थिंग दैट द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्टोर्स इज आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन। एवरी प्रोसेस नीड सम आईओ डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, लाइक स्कैनर्स और माइक्रोफोन। इवन ए प्रोसेस माइट नीड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फाइल्स और डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज जस्ट लाइक ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम यूजेस हेडर फाइल्स। सो द आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन विल रिटेन द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट फाइल्स ओपन इन द प्रोसेस, डिफरेंट आईओ डिवाइसेस एलोकेटेड टू द प्रोसेस। ये इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ वर्ड की और इसको मैं ए बी सी कह देता हूँ और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोसेस बना, लेकिन इस प्रोसेस के पास आईओ इन्फॉर्मेशन में रिकॉर्ड है कि इसने एक फाइल ए बी सी ओपन की हुई है। अब जैसे ही मैं इस फाइल को डिलीट करता हूँ तो ये मुझे एरर मैसेज शो करता है। ये एरर मैसेज क्यों शो करता है? क्योंकि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से हमें पता चल रहा है कि ये फाइल दिस फाइल इज़ इन यूज़, दैट्स वाई ऑपरेटिंग सिस्टम डिडेंट अलाउ अस टू डिलीट इट।
नेक्स्ट हमारे पास टास्क आती है प्रोसेस स्केजुलिंग की। जहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होंगे वहाँ पर प्रोसेस स्केजुलिंग करनी पड़ेगी। क्यों हम प्रोसेस स्केजुलिंग करते हैं? सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए, ताकि सीपीयू के पास हर वक्त कोई ना कोई टास्क हो। सो वी यूज़ प्रोसेस स्केजुलिंग टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन बाय स्विचिंग द सीपीयू अमंग डिफरेंट जॉब्स। व्हाट अदर रिजल्ट्स कैन वी अचीव फ्रॉम दिस? वी कैन इंक्रीज द थ्रूपुट। थ्रूपुट इज एक्चुअली द आउटपुट ऑफ ए सिस्टम और द नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड इन ए यूनिट टाइम। वी कैन इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। वी कैन मिनिमाइज द वेटिंग टाइम एंड हेंस वी कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। सो इन शॉर्ट यू कैन से दैट प्रोसेस स्केजुलिंग इंटेंड्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर प्रोसेस स्केजुलिंग वी विल नीड प्रोसेस स्केजुलर्स। प्रोसेस स्केजुलर्स आर बेसिकली सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एंड आर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ द प्रोसेस स्केजुलर मेक्स द सिलेक्शन। ऑल द चॉइसेस आर डन बाय प्रोसेस स्केजुलर्स। प्रोसेस स्केजुलिंग इज मेंटेन्ड बाय यूजिंग डिफरेंट स्केजुलिंग क्यूज। नाउ व्हाट आर दीज डिफरेंट स्केजुलिंग क्यूज? दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट स्केजुलिंग क्यूज। द फर्स्ट क्यू इज द जॉब क्यू। यू कैन सिंपली से दैट ऑल द न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस आर प्रेजेंट इन द जॉब क्यू एंड फर्दर दिस जॉब क्यू इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द हार्ड ड्राइव। यू कैन conceptualize it like that. After that, the process move from the job queue to the ready queue. In the ready queue, all the processes are present in the main memory, that is RAM, and all the processes are ready and waiting to execute. So basically, ready queue में जितने भी process हैं वो RAM में exist करते हैं और वो actually वेट कर रहे होते हैं कि कब उन्हें सीपीयू एलोकेट किया जाए। द थर्ड वन इज डिवाइस क्यू। लाइक आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट एवरी प्रोसेस मे नीड टू परफॉर्म सम इनपुट एंड आउटपुट एक्टिविटी एंड फॉर इनपुट एंड आउटपुट एक्टिविटी इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ डिवाइस। सो एवरी प्रोसेस दैट इज वेटिंग फॉर सम इनपुट एंड आउटपुट इवेंट has to wait in a device queue for specific type of device. For example, there may be a device queue for the printer, that is called print spooler. There may be a device queue for input from keyboard. So a process waiting for an IO is present in the device queue. Throughout the entire life of a process migrates between these or migrates among these queues. Whenever a process is created newly, it is in job queue. When a process switches from new state to the ready state, it is in ready queue. Whenever the process is executing, it is in the running state. And whenever it has to wait for some event, it is in the waiting queue or device queue. There are different types of schedulers. First of all, I have discussed the scheduler plays a critical role in the process scheduling mechanism because it has to select process from multiple processes. So there are three type of schedulers. One is short term scheduler, the other one is long term scheduler, and third one is medium term scheduler. So next I am discussing these schedulers one by one. What is the purpose of short term scheduler? Before discussing this, let me discuss long-term scheduler. Long-term scheduler is also known as job scheduler. A long-term scheduler selects which process should be brought into the ready queue. इसको हम इस डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज हार्ड डिस्क ड्राइव है।
हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर हमारे पास एक क्यू है जिसको हमने क्या दिया, जॉब क्यू। इसको मैं जे क्यू लिख देता हूँ, ये जॉब क्यू है। अब हम कह देते हैं कि इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्रोसेस P1 एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोसेस P2 एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली आवर जॉब क्यू। नाउ द सेकेंड थिंग वी हैव इज द रैम, एंड वी कैन से दैट ए रैम हैज ए रेडी क्यू, आर क्यू। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर इन दिस सिनेरियो? आई हैव ओनली टू प्रोसेस इन द जॉब क्यू, बट वी कैन हैव अ लॉट मोर देयर। नाउ द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर हैज़ टू सेलेक्ट अमंग दीज प्रोसेसेस नाउ व्हाई ही हैज़ टू सेलेक्ट द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर सेलेक्ट्स ए प्रोसेस टू ब्रिंग इट इन टू द रेडी क्यू। बेसिकली लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या करता है, जॉब क्यू से कोई एक प्रोसेस सेलेक्ट करता है और इसको सेलेक्ट करने के बाद रेडी क्यू में लोड करता है। सो आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का जो पर्पस है वो यही है कि वो जॉब क्यू से प्रोसेस फाइंड आउट करे और उस प्रोसेस को रेडी क्यू में लोड कर दे। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ने P1 को सिलेक्ट किया, तो ये P1 प्रोसेस जो है ये हमारे पास रैम में लोड हो जाएगा। सो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर इज इन्वोक्ड इनफ्रीक्वेंटली, यानी ये कम यूज़ होता है। सो ये स्लो भी हो तो उससे ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग is equal to number of processes in the ready queue. Now, when the job scheduler will select two processes and bring them into the ready queue, the degree of multi-programming will be two. And if there is a flexible long-term scheduler and it selects round about 10 to 15 processes from the job queue and move them to the ready queue, now the degree of multi-programming will increase into 10 or 15, whatever the number I have told you already. So degree of programming long term scheduler control karta hai. Now the next is short term scheduler. For the sake of simplicity, let us suppose that there are some other processes in the memory too. I will designate it as P3. And let's suppose there is another process which is named as P4. And we have a CPU over here. Now, what is the functioning of long-term scheduler? Here we have short-term scheduler. अब शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या करेगा? अब शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इन रैम, और वो ऑप्शंस कौन सी हैं कि प्रोसेस P1, P3 एंड P4। सो अब शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने सेलेक्ट करना है कि उसने P1 को एग्जीक्यूट करवाना है, P3 को एग्जीक्यूट करवाना या P4 को एग्जीक्यूट करवाना। सो इस लिहाज से शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की वर्किंग जो है वो क्रिटिकल है। सो लेट्स सपोज कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने प्रोसेस P4 को सिलेक्ट किया फॉर एग्जीक्यूशन, एंड दिस सिलेक्शन इज अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। नाउ व्हाट इज दिस क्राइटेरिया? दिस क्राइटेरिया इज बेसिकली प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स।
एल्गोरिदम विल टेल शॉर्ट टर्म स्केजुलर टू पिक और लीव ए जॉब. आफ्टर द शॉर्ट टर्म स्केजुलर पिक्स ए जॉब फ्रॉम द रेडी क्यू, द जॉब इज असाइंड टू द सी पी यू फॉर द एग्जीक्यूशन. दिस इज डन बाय डिस्पैचर. सो यू कैन से दैट डिस्पैचर इज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म स्केजुलर. शॉर्ट टर्म स्केजुलर फर्स्ट सेलेक्ट जॉब फ्रॉम द रेडी क्यू दैट इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड एंड देन हैंड ओवर दिस जॉब टू द डिस्पैचर एंड डिस्पैचर डिस्पैचेस द जॉब टू द सी पी यू. नाउ द शॉर्ट टर्म स्केजुलर हैज क्रिटिकल डिसीजन्स टू टेक एंड इट इज इन्वोक्ड फ्रीक्वेंटली. इट हैज क्विक यूज इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यू कैन से दैट इट मस्ट बी फास्ट एंड इट मस्ट बी एफिशेंट. Now let us take a look at the theory that short term scheduler is also known as CPU scheduler. A CPU scheduler selects which process should be executed next and allocates CPU. Now how this selection is made? For this selection, said scheduling algorithms are used. And who will allocate CPU? Dispatcher will allocate the CPU. Let me write these things for you. Selection depends upon process scheduling algorithms. And who allocates CPU? That is dispatcher. Dispatcher allocates the CPU to the selected process. But the short term scheduler or CPU scheduler must be fast in working. Third type of scheduler is the medium term scheduler. Now the medium term scheduler can be added if the degree of multiprogramming needs to be decreased. Now why we need to decrease the degree of multiprogramming? There are many scenarios in which we have to decrease the degree of multiprogramming. So let's look at the example. Now let's suppose in RAM we have a total space of 6 GB. This process is taking 1 GB, this process is taking 2 GB, and this one again is taking 3 GB. So all the 6 GB space is being consumed, and we can say that we have a process P2 that comprises of 4 GB. Now what happens? Let us further assume that currently this process is executing while these two processes are waiting. Now when these both processes are waiting, they are doing just nothing but consuming the RAM space. So what a medium term scheduler will do? Here we have a medium term scheduler. What a medium term scheduler will do? Now carefully see, in job queue we have a process that requires 4 GB. And it can be executed, while in RAM we have two processes that are consuming space of about 5 GB and currently in the waiting state. So now what will the medium term scheduler do? Medium term scheduler will take this process from here and place it on the job queue. Similarly,
द ऑपरेटिंग सिस्टम विल मीडियम टर्म स्केड्यूलर विल टेक दिस प्रोसेस आउट ऑफ द रेडी क्यू एंड प्लेस इट इन द जॉब क्यू. दिस इज नोन एज स्वैपिंग एंड स्पेसिफिकली दिस इज नोन एज स्वैप आउट. मीडियम टर्म स्केड्यूलर हैज टेकन ए प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड मूव्ड इट टू द जॉब क्यू. सो दिस इज बेसिकली स्वैप आउट. आफ्टर दैट नाउ द स्पेस इज फ्री. द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर विल सिलेक्ट प्रोसेस पी टू एंड प्लेस इट इन साइड द मेमरी. लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर विल सिलेक्ट द प्रोसेस पी टू एंड प्लेस इट इन साइड द मेमरी. आफ्टर सम टाइम दिस प्रोसेस विल बी सिलेक्टेड बाई द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर एंड विल बी हैंडेड ओवर टू द सी पी यू फॉर द एग्जीक्यूशन. एंड लेट्स फर्दर सपोज दैट दिस प्रोसेस फिनिशेज इट्स एग्जीक्यूशन एंड इट डजेंट एग्जिस्ट इन द मेमरी. After the P2 has completed its execution, we will again have 5 GB in the memory. Now what will happen? Again the process P3 or P4 will be brought into the memory by the long term scheduler, and this is known as swap in. So basically medium term scheduler controls the swapping process, and when it has taken two processes out of the memory, degree of multiprogramming reduced to one. So that was the thing I was going to explain, that medium term scheduler is used to decrease the degree of multiprogramming. How it does this? It removes process from memory and store it on the disk in the job queue. And after the memory is free, it orders the long term scheduler to bring it back into the memory. This process is known as swapping, or simply you can say that swap in or swap out. Next concept is context switch. In scheduling, context switch is an important concept to understand. There are different scheduling algorithms that gives us a larger number of context switches, while there are some other scheduling algorithms that gives us a smaller number of context switch. You have seen the example of scheduling. One process starts execution, it goes to the waiting state, scheduler selects the next process and starts the execution, and this process continues, goes on. Whenever a process is stopped and the other is selected, this is a context switch in simple words. Or you can say that whenever a CPU switches from one process to another, a context switch occurs. Now what happens in a context switch? CPU or operating system has to save the state of the old process, the process that is being deallocated, and the CPU will have to load, or the operating system will have to load, the saved state of the new process. This is known as a context switch. So what is the state that is saved or loaded? That is actually PCB. So you can say that whenever an operating system or CPU switches from one process to another, it actually saves the PCB of one process and loads the PCB of second process. So context switch requires a small amount of time, but still it is enough to contain a overhead. It causes some complexity. Why? During this time the CPU is doing nothing but just waiting for the storage
एंड लोडिंग ऑफ द कंसर्न्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा उतना ही टाइम लगेगा उसको स्टोर करने के लिए भी और लोड करने के लिए भी। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विच की एग्जांपल किस तरह से एग्जिस्ट करती है। मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि लेट्स सपोज ये हमारे पास रैम है। रैम में हमारे पास तीन प्रोसेस हैं जो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ कि लेट्स सपोज दिस इज प्रोसेस वन, सेकंड वन आई कैन से दैट दिस इज प्रोसेस नंबर टू, ईच ऑफ द प्रोसेस विल हैव ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। वी कैन से दैट दिस इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ पी टू एंड दिस इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ पी वन। नाउ लेट्स सपोज हेयर वी हैव ए सी पी यू स्केड्यूलर। And here we have a CPU. अच्छा, अब हम सपोज करते हैं कि सबसे पहले CPU scheduler ने क्या किया, प्रोसेस P1 को सेलेक्ट किया और प्रोसेस P1 को सेलेक्ट करने के बाद उसे CPU एलोकेट कर दिया। CPU ने प्रोसेस P1 पर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी, लेकिन सपोज एक ऐसा टाइम आता है जब P1 को वेट करना पड़ता है, P1 हैज़ टू वेट। अब मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम या CPU किसी दूसरी टास्क पे स्विच करेगा। अब स्विच करने के लिए CPU बेसिकली क्या करेगा, इसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को सेव करेगा, उसके बाद CPU स्केड्यूलर जो है वो प्रोसेस P2 को पिक करेगा और CPU को एलोकेट कर देगा, और जैसे ही एलोकेट करेगा इसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को भी लोड कर देगा, यानी उसमें जितने रजिस्टर के कंटेंट्स होंगे, जितनी उसमें मेमोरी होगी, जितनी उसमें वैल्यू स्टोर होगी, उन सबको लोड कर देगा। सो बेसिकली इस सिचुएशन पे क्या अकर किया, कॉन्टेक्स्ट स्विच, यानी ये जो स्पेसिफिक सिचुएशन मैंने ड्रॉ की, इस सिचुएशन में CPU ने क्या किया, प्रोसेस P1 का PCB सेव कर दिया और प्रोसेस P2 का PCB लोड कर दिया। सो दिस इज बेसिकली ए कॉन्टेक्स्ट स्विच, और कॉन्टेक्स्ट स्विच में कुछ टाइम लगता है, उस टाइम में CPU कुछ भी नहीं कर रहा होता बल्कि CPU बिल्कुल फ्री होता है। जितने ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होंगे उतनी परफॉर्मेंस कम होगी और जितने कम होंगे उतनी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। तो ये हम कॉन्टेक्स्ट स्विच की एक डायग्राम मज़ीद अंडरस्टैंड कर देते हैं। यहाँ पर दो प्रोसेस हैं, एक पी नॉट है और एक P1 है। सबसे पहले पी नॉट एग्जीक्यूट हो रहा, लेट्स सपोज अब जैसे टाइम गुजरता है एक इंटरप्ट जनरेट होती है, और वो इंटरप्ट क्या जनरेट होती है कि हमने प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना। अब जैसे इंटरप्ट जनरेट होगी CPU हो जाएगा आइडल, और इस टाइम पे वो क्या करेगा, प्रोसेस पी नॉट का PCB सेव करेगा, फिर थोड़ा सा टाइम गुजरेगा और प्रोसेस P1 का PCB लोड करेगा। अब ये टाइम कंसिडरेबल है, इस टाइम में CPU कंप्लीटली आइडल, और ये प्रोसेस पी नॉट भी आइडल है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही प्रोसेस PCB1 लोड हो जाएगा, यहाँ पर क्या आकर किया, एक कॉन्टेक्स्ट स्विच।
अब सीपीयू एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा प्रोसेस P1 की, और यहाँ पर आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है, लेकिन P0 जो है वो आइडल होगा। अब लेट्स सपोज एक और सिचुएशन आती है जिसमें दोबारा से उस प्रोसेसर ने PCB0 पे मूव करना है या प्रोसेस P0 पे मूव करना है, तो एक्चुअली क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेस P1 का PCB सेव करेंगे। क्यों? क्योंकि करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस P1 ही है, उसका PCB सेव करेंगे। सेकंड स्टेप में प्रोसेस P0 का PCB लोड करेंगे, तो P0 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो टाइम है, इस टाइम में CPU ने कोई भी वर्किंग नहीं की, सिर्फ वेट किया कि एक कॉन्टेक्स्ट स्विच स्टोर हो और दूसरा कॉन्टेक्स्ट स्विच लोड हो। इसी तरह इस टाइम पर भी CPU ने कोई एग्जीक्यूशन नहीं की, आइडल रहा। तो जितने ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विच पड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आइडल टाइम भी बढ़ता जाएगा और CPU की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम CPU स्केजुलिंग को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे।